हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड, आप सभी जानते होंगे कि मैं कल और परसों लगातार दो वीडियो कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 मुख्यमंत्री के द्वारा राशि दिया जाता है उस पर मैं वीडियो अपलोड किया हूँ। लेकिन यहाँ जेपी यूनिवर्सिटी के जो छात्राएं हैं उनका कुछ अलग ही कहना है, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि जो भी स्टूडेंट सेशन 18, 21, 19, 22 तथा 20, 23 में पास है वो भी भर सकती है। तो यहाँ सवाल है कि अभी जेपी यूनिवर्सिटी का जो स्नातक पाठ्यक्रम का जो एग्जाम हुआ है उसका तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया है, तो आखिर उन लोगों का कैसे फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि कन्या उत्थान योजना का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। उसके बाद एक बड़ा सवाल यह है कि अभी 2023 का पार्ट टू का एग्जाम ही हुआ है लेकिन अभी उनका रिजल्ट भी नहीं आया है, पार्ट थ्री की दूर की बात है, तो आखिर उन लोगों का कैसे कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरा जाएगा ताकि उनको 50,000 रुपये का राशि मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से हम सारा का सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व करेंगे, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दिया जाता है सही और सटीक जानकारी दिया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले एक कमेंट आया है किसी का, उनका कमेंट यह है कि सर, लड़की तो बिहार की है लेकिन वह महाराष्ट्र में रह करके पढ़ाई की है, तो क्या उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। देखिए फ्रेंड, साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो लड़की बिहार की होनी चाहिए तथा बिहार के ही किसी यूनिवर्सिटी से वह पढ़ाई की होगी, स्नातक पास की होगी, तभी इसका लाभ मिलेगा, यानी कन्या उत्थान योजना का लाभ मिलेगा जो 50,000 का राशि मिलता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल यह है कि 19-22 का अभी रिजल्ट ही नहीं आया और आप थंबनेल में लिखे हैं जो पहला दो वीडियो अपलोड किए हैं तथा 20-23 का लिखे हैं। देखिए फ्रेंड, जब मैं वीडियो को बनाया था तो उस समय जेपी यूनिवर्सिटी का नहीं बताया था, उसमें मैं टोटल बिहार के लिए बताया था, जिसमें आप सभी को बता दूं कि बहुत सारा यूनिवर्सिटी ऐसा है जिसमें आपका 19-22 का भी एग्जाम क्लियर हो चुका है, यानी कि स्नातक क्लियर हो चुका है, तथा बहुत सारा यूनिवर्सिटी ऐसा है जिसमें उनका 20-23 का भी सेशन कंप्लीट हो चुका है। ये तो गड़बड़ी है जेपी यूनिवर्सिटी की जो अभी तक आपका सेशन को पेंडिंग किया है। ये गलती है डॉक्टर फारूक अली की जो जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं कि इतना सेशन आपका लटका करके रखे हैं। नहीं तो आप चले जाइए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, चले जाइए पटना यूनिवर्सिटी, चले जाइए, बहुत सारा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो लगातार अपने सेशन को मेंटेन करके रखा है, लेकिन यहाँ तो पेंडिंग ही पेंडिंग आपको दिख रहा है जेपी यूनिवर्सिटी में। फ्रेंड, एक और सवाल है कि आपका बैंक खाता बिहार का ही होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकती हैं, ये नहीं कि आप यहाँ का है और दूसरे स्टेट में आपका खाता है तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकती हैं, आपको खाता बिहार में ही खुलवाना पड़ेगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। फ्रेंड, यहाँ सवाल है कि हमारा एक स्टूडेंट पास, यानी जो भी छात्राएं पास है वह आसानी से इस फॉर्म को भर सकती है, क्योंकि उनका जो रिजल्ट है 18 फरवरी के आसपास जारी हुआ है, लेकिन जो फॉर्म भरने का कन्या उत्थान योजना का रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है आपका 1/4/2021 से लेकर के 31/3/2023 तक निर्धारित किया गया है, इसके बीच में जो भी स्टूडेंट पास है वह इस फॉर्म को भर सकती है तथा इस फॉर्म को भरने का जो डेट है अंतिम तिथि है 30/9/2023। 30/9/2023 के पहले हर हाल में आप सभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दें, अन्यथा बिहार सरकार का मानना होगा कि आप इस पैसा को लेने के लिए इच्छुक नहीं है। फ्रेंड, कौन नहीं चाहता कि मुझे 50,000 रुपया मिल जाए, तो आप सभी देर क्यों किए हैं, अभी ही इस फॉर्म को भर दीजिए। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं है, जब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा तब तक आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में वह वीडियो आपको मिल जाएगा, पहले उसको आप लोग देख लें, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वह लिंक मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।